आए थे भाई यहाँ पर गाय के बछड़े के देखने के लिए। पहले तो बकरे का डिसाइड हुआ था लेकिन बछड़े का देख रहे थे, लेकिन रेट्स इतने हाई हैं इसके। तो फाइनली हमने बकरा मंडी से ये दो बकरे परचेज कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ये बकरे, तो बकरे हमने परचेज करे हैं ज़बरदस्त। YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ पर काट रही हूँ आलू। तो ये आलू काट कर हम बनाएंगे आलू मटर का मजेदार सा सालन कल आने वाले मेहमानों के लिए और हमारे लिए भी। तो चले जल्दी से तुम्हारे लिए नहीं करना, हमारे लिए बनाकर आ गई हूँ। अरे भाई ये अब रेडी तो कर रहा है ना, तो हम भी खाएंगे। जाहिर बात है इसको नहीं खिलाएंगे बल्कि। तो फाइनली ये आप इरम जो है ना आलू मटर का सालन बना रही हैं। इरम बना रही है आलू मटर का सालन जी। मैं गूंद के रखूंगी आटा और इनके लिए बनाऊंगी कड़क से चाय जी। किचन में जा रही हूँ, थक तो गए हैं सही जी, मगर मजा बहुत आया। हाँ इरम को गाड़ी में पागल थी हंस हंस के, इतना मारा कि मैं तो हंस हंस के रो पड़ी। तो चलते हैं फिर बनाने, बनाएंगी ठीक है। ये देखें ये अक्सर रो रही है। अक्सर क्यों रो रही है, वीडियो बना लूं अक्सर की? नहीं बनाऊं क्यों, असली में बनाऊं या नकली में? जरूर इसको राबिया आप ही ने पीटा होगा। और ये हनक से वीडियो बना लूं? नहीं बनाऊं? अच्छा थोड़ी सी बना ली सही है। तो फाइनली इरम साहिबा आज कुकिंग कर रही हैं। क्या भाई कर रही हैं मेहमानों के लिए? आलू मटर का सालन बना रही हैं आप? बिल्कुल। अच्छा वाओ आज कुकिंग कर रही हैं राबी आप ही घर पे? हाँ। असल में लोग कमेंट्स करते थे ना कि भाई कराची वाले काम नहीं करते। पहले हम आए थे तो हम मेहमान थे ठीक है, और लोगों की नजरों में हम तो उस वक्त भी अपनी बहन के ही घर पर आए थे और अब भी हम अपनी बहन के ही घर पर हैं। तो अपनों के घर पर किसी तरह का शर्माना और कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, अपने घर में भी काम करते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। सही बात है, ये हम अहमद भाई और आबिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। बेहतर तो माशाल्लाह आज जो है ना कुकिंग हो रही है, कुकिंग करके बना रही है भाई। तो बस अभी टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और ये क्या आलू मटर बनेगा भाई, अरे वाह आज तो बेहतरीन हो जाएगा भाई। चिकन बीफ इस तरह की चीजें खा के बहुत दिल भर गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अब लाइट सा खाना, आलू मटर बना। ठीक है चले फिर ये तो डालेंगे फिर आपके साथ। और फिर अचानक से घर में मेहमान भी आ गए हैं तो वैसे हमने सोचा था हम जो है ना ये सुबह के लिए रेडी कर लेंगे, मगर अब क्योंकि मेहमान आ गए तो मैंने कहा बस फटाफट खाना रेडी कर लेते हैं ताकि सब मिल कर। चले तो फाइनली देखे हमने ये अभी क्या हुआ, मटर भून रही है जी, सालन भून रही भाई है। ये तो बनना चाहिए कम से कम, जो गांव में रहने वाले हैं विलेज में रहने वाले हैं इनको पसंद आना चाहिए। इरम के इरम ने बनाया है, आखिर शहर वाले भी कुछ काम करके दिखाते हैं। अच्छा मैं अपने घर में जब हम बनाते हैं आलू मटर का सालन तो किसी भी मिर्च ऐड करते हैं, मगर राबिया बाजी ने कहा कुटी भी डाल उनके किसी भी नहीं है सही, तो इसलिए मैंने कुटी भी डाली तब टेस्ट चेंज भी हो सकता है सही, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह से कलर तो बहुत ही प्यारा है। तो फाइनली जब तैयार हो जाएगी तो फिर जो है ना पेश करेंगे जी। फाइनली जो है ना इरम ने ये माशाल्लाह तैयार कर दिया मेहमानों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर हम तैयार हो गया और आप व्यूअर्स कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लगा है इरम ने तैयार करा है, और आप शक्ल देख के इसकी रेसिपी को बता दीजिएगा। लेकिन आप तो चक तो सकते नहीं है, अब सारी बात जब मेहमान आएंगे वो चखेंगे तो फिर बताएंगे वो इंशाल्लाह ताला, फिर वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फाइनली देख के आता हूँ क्या हुआ। राबी सिस्टर क्या कर रही है भाई यहाँ पर? हम यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं और इन्हें सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है, अच्छा जो मेहंदी लगा रहे हैं, वाह अरे वाह, ये पार्टी के लिए? हाँ जी जी, नई अहमद की शादी के लिए। दूसरी करनी है क्या सितारा की तरह? तो इरम तैयार कर रही है ना भाई मेहंदी, और मेरी वाइफ जो है ना मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है जी। तो कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी है मेहंदी। माशाल्लाह हमारी सिस्टर की मेहंदी, माशाल्लाह जरूर कह दीजिएगा। ये देखो और ये खुद ही हिल रही है और ये ठंड में कांप रही है, इन्हें हीटर की जरूरत है। हाँ मैंने से कहा था कि हीटर के आगे बैठ के लगा दो, कह रही नहीं यही लगा।
तो चले ठीक है भाई, फिर आप मेहंदी लगाएं, फिर इंशाल्लाह फिर पार्टी पे आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे और मैं भी हूँ खैरियत से। तो आप कैसे हैं, मैंने आपको दिखा रहा हूँ आज सुबह का नज़ारा, हो ये देखें धुआं, और आई थिंक अगर आपको दिख रहा हो तो इस वक्त इतनी सर्दी हो रही है सुबह सुबह, मैंने कहा चले मैं उठ के अपने व्यूअर्स के लिए ब्लॉग शूट कर लूँ, थोड़ा सा उन्हें भी दिखाऊँ कि विलेज के अंदर अर्ली मॉर्निंग में क्या क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद आया हूँ और यकीन करें इतनी ठंड हो रही है, जब से बारिश हो गई है ना तो ये विलेज में यकीन माने बहुत ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा बेतहाशा ठंड हो रही है। तो देखिए आप हद नज़र जो है ना बिल्कुल घर नहीं दिख रहे, हालांकि मैंने आपको सुबह जब दिखाया था तो आपको शायद आई थिंक दिख रहा था उनके कज़न के घर है, लेकिन इस वक्त जो है ना सामने मेरी फिंगर दिख रहे हैं, उस टाइम भी देखिए कितनी धुंध हो रही है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी वो बेतहाशा धुंध हो रही है, लेकिन नज़ारा बहुत ज़बरदस्त और दिलकश है ये विलेज का, यकीन माने ऑसम कहेंगे जिसे कहते हैं ना वो है। तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आप, और आप लोग हमारे व्लॉग को देखें और व्लॉग को देख के आप इन्जॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और इरम रान के चैनल को ज़रूर आप उनके तवसु से ये वीडियोस देख सकेंगी और बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, और इससे पहले एक वीडियो आप अपलोड होने वाली है उस वीडियोज़ को भी देखिएगा और वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ देखिए मैं को दिखा रहा हूँ, बारिश हुई है रात को, कीचड़ हो रही है यहाँ बेताशा, ये सामने से देखे हैं, और वो अहमद भाई के भाई जा रहे हैं सामने, सलाम तो करो व्यूअर्स को जल्दी से, सलाम जल्दी करो, अस्सलाम वालेकुम, ये अहमद भाई की छोटी बेटी है माशाल्लाह से, वालेकुम अस्सलाम, बोलो व्यूअर्स को, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप बोलो तो, अरे बोल तो दो जैसे मैं बोलो, बोलो चैनल को, बोलो इरम इमरान, जल्दी बोलो, अरे शर्मा रही है। देखिए माशाल्लाह लिखा हुआ है अहमद भाई के घर पे, और ये है अहमद भाई ने अब्बासी यूट्यूबर, और ये है यूट्यूबर की शहजादी दास्ता, सलाम तो कर दे व्यूअर्स को, अस्सलाम वालेकुम, के देखने वालों को सबको दिल के गहराई से सुबह बख़ैर, सुबह बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, और बहुत सर्दी हो रही है, मुझे धुआं निकल कर देखो, मुझे मेहंदी लग रही है, ये देखिए कितनी जबरदस्त दिखाई दे रही है, ये देखिए मेरी मोहब्बत की निशानी, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड की, आपकी छोटी बहन भी तो मोहब्बत करती है जिसने लगाया आपको मेहंदी, कराची से आई है आपको मेहंदी लगाने के लिए, इसका कलर यहाँ आया, ये देखो कितना लाइट आया, तो इनकी नोक जोक जा रही है, इसकी मेहंदी तो और रचाकर हो गई, ये पैर के तले लगा दी मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलो जल्दी से हम फिर नाश्ता शेयर करो, जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे, और ये देखे हमारे घर पे पता नहीं कौन आ गया है, नकाब पोश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अब ये देखो इरम क्या करी, हमारे घर पर कौन आ गया, घर वाले चोर बाहर वाले जोर, इरम क्या हाल है, बगैर मुंह धुले देखो, मैं हूं मैं ही हूं, ये देखो मेरा बगैर धुला मुंह दिखा रही है आप लोगों को, हम भी तो बहन के घर पे रहे ना, तो हमारा भी तो घर हुआ ना, चलो आज आपने काफी सारे काम करने हैं, मेहमान काफी निकल आए, अच्छा हमने रात को क्या प्लानिंग की है, हमने इतना आटा गूंद कर रखा, भी दिखाऊंगी आपको, हाँ, सही है, रात को ये हमने आलू मटर का सालन बनाया, हमने सुबह सुबह दोनों मियां बीवी उठे अंडे उबालने के लिए, मेरे घर में आग लगा के हम हाथ सेकने के लिए करा, हमने कहा इन्हें तो उठाओ, सुबह उठेंगे हम अंडे बॉयल करेंगे, तुम चाय बना लेना, अंडे बॉयल कर लेना सिलेंडर पे, मैं जल्दी जल्दी इस पर रोटी बना दी, तो मेहमानों से बात की तो कह रहे हम एक दो बजे पहुंचे, मैंने कहा सो जाओ, तो वो अंडे हम खा लेंगे ना, तो छोड़ो वो अपने हाईवे पे अंडा खा लेंगे, जब तक मेहमान आएंगे खुद अंडा बना होगा, ये सिर्फ इरम का अंडा है, सही है, इरम इरम तो हाफ फ्राई खाती है भाई, और मैं खाता हूँ फुल फ्राई, अगर टूटा तो कल अंडा नहीं दिया था,
क्या करे, रावी अभी भी बेचारी, उनकी मुर्गी भी मर गई जो अंडा देती थी। अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अंडे, हमें नहीं पता कहीं से मिला अंडा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें अहमद भाई रेडी हो गए हैं। अहमद भाई तो आज का मंडी शंडी ले जा रहे हैं। अहमद भाई मंडी ले जा रहे हैं भाई। और सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं क्या मामा आधा कितना किताब आसे और पीछे तो रहे मां आधा मस्ती। हम लोग मंडी के लिए निकले थे और फिर यहां आ गए पंप पे। और ये पंप है, कौन सा पंप है भाई? पीएसओ का है भाई, ये पीएसओ के पंप पे आए हुए हैं अहमद भाई। घर में नहीं पड़ रहे ज्यादा। आए थे भाई मंडी बकरे के लिए। तो भाई क्या हो गया फिर, हम बकरे की क्या कहानी कुछ बताएं। हमने कहा अहमद भाई से आप गाय ले लो, बकरा नहीं लो, तो एक तीर से हमें करने दो शिकार, पार्टी भी करेंगे आप, टिक्का पार्टी भी करेंगे। थोड़ा सा वहां पे भी चले जाओ इंतजामिया के पास, उन्होंने क्या क्या इंतजाम किया हुआ कोविड की वजह से जी पूछ लें। पूछ लेते हैं, कोविड के वो बैठे हुए हैं, कहीं कोरोना वोरोना का मास्क वास्क पहना नहीं है हम लोगों ने, कि हमें कोरोना में पकड़ ना ले। नहीं नहीं नहीं, जाओ तो सही, जाओ तो सही। फाइनली मैं अहमद भाई के पास जा रहा हूँ मंडी के लिए, फिर मैं आगे से ले लूंगा। ठीक है, चल चलते हैं मंडी के लिए। फाइनली देखिए हम मंडी में आ गए हैं और ये कट्टा खड़ा हुआ है। और ये है जहीर पीर की मंडी। कौन सी भाई मंडी है ये? जहीर पीर की मंडी है भाई। जहीर पीर की मंडी में हम लोग आए हुए हैं। जहीर पीर माल की मंडी है भाई जान। केड़ी मवेशी मंडी? जहीर पीर, जहीर पीर की मंडी। ये ले ले कट्टा। हाँ बछिया लेते हैं, बछिया कट्टा नहीं लेना, बहुत बच्चा बछिया सही है, बछिया अच्छा आगे बछिया ले। आए थे भाई यहाँ पर गाय के बछड़े के देखने के लिए। पहले तो बकरे का डिसाइड हुआ था, लेकिन बछड़े का देख रहे थे, लेकिन रेट्स इतने हाई हैं इसके, बहुत ज्यादा जो है ना, उन्होंने रेट जो है ना बड़े हाई रेट्स किए हैं। तो इसलिए भी फाइनली जा रहे हैं। अब देखो डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए। अहमद भाई जा रहे हैं भाई, रेट के हिसाब से देखें बहुत हाथ हाई है। तो हमने कहा चलो फिर बकरे की तरफ ही चल रहे। ठीक है, हम बकरा लेंगे और बकरा नहीं तो फिर मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ लेनी है ना भाई। ले लें फिर चूजा चलेंगे, तो भाई चूजे खिलाएंगे। ये देखो राबिया बाजी ने खिलाई। ये क्या चीज है भाई? दिल शिकरी? दिल नतीजी देखी जा रही थी, देखे जा रही थी, मैंने कहा ले ले। तो फाइनली हमने बकरा मंडी से ये दो बकरे परचेज कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ये बकरे, ये बकरे हमने परचेज करे हैं, जबरदस्त। माशाल्लाह देखा फेज है यार, ये बकरा है। और एक ये बकरा हमने परचेज करा है। कितना प्यार करे इन्होंने, मेरे पेट में जाना है ना। ये जोड़ी ली है जी अभी हमने, मैं तो पाल लूंगी ये पाल, जो मेहमान आ रहे हैं वो मेहमानों को अंडे और आलू खिलाएंगे। अच्छा पैसे रे,
फाइनली ये बकरे ले लिए भाई, दो बकरे हैं, दो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक गबरू जवान नजरे बस से बचाए, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए। हाँ जी माशाल्लाह ये बकरे ले लिए हैं। बकरे बस मैं यूं यूं कर रहा हूं बात। है इरम कैसा लगा बकरा भाई? बकरे बहुत प्यारे माशाल्लाह से, अल्लाह पाक हर बुरी नजर से बचाए और राबे बाजी को ऐसी हजारों खुशियां देखनी नसीब करे। आमीन 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 आमीन। मेरे को तो मैं कहती हूं बकरी ना दो ना बकरे राबे बाजी को देखो तंग कर रहे हैं। राबे बाजी तुम्हारी वीडियो राबे बाजी तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ तुम्हें तंग कर रहे हैं बकरे। मैं लाते बकर के फेंक दी, सही है वो टक्कर मारेगा। तो फाइनली ये बकरे आ गए भाई, ये देखें जो ये है दावत के लिए इंशाल्लाह ताला। तो फाइनली जो बकरा हम अभी ले आए हैं वो बकरा जो काटेंगे ये मिस्त्री साहब जो अहमद भाई के हैं और कसाई का भी काम करते हैं सर। ना धोकर आना। हाँ ये बात जरूर है कि ना धोके आना, बरकत हो जाए ठीक है। और अहमद भाई के जो बड़े भाई हैं वो भी हेल्प करेंगे इसमें ठीक है जी। ठीक है राबी आप भी और जो है ना समझ ले ये पार्टी की तैयारियां हैं और ये शुगर लगा हुआ ठीक है। ये बकरे आ चुके हैं हमारे और माशाल्लाह जरूर करिए कमेंट करके कि भाई ये अल्लाह ताला जिन्होंने दीन कबूल फरमाया है कबूल करें और अल्लाह पाक हमें हादसों की हादसे से बचाए, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए, अल्लाह पाक सबको अपने जमान में रखे और अल्लाह पाक जिस बहन ने हमें ये पार्टी के लिए दिया उस बहन को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए उनके बच्चों को भी। आमीन। चलें जी इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखेगा याद, हमें दें इजाजत नेक दुआएं नेक तमन्ना के साथ, मुझे दीजिएगा इरम और बकरों के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।